11 तो आज का वीडियो हिस्ट्री का 12th का जो एग्ज़ाम होगा दो दिन के बाद आपका, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें। तो ये वीर कुंवर सिंह की जीवनी के बारे में आपको पूछ सकता है, तो आप लोग एक बार अच्छे से आंसर देख लेना। मेरा आंसर जो है वो इजी वे में शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई भी आपको, मेरा खुद का शब्द है जिसमें याद करने में या फिर एक बार रिवीजन करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब हम आज के वीडियो में हम वो बता रहे जो एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एक एक साल गैप करके वो क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता देते, तो वो वीर कुंवर सिंह के बारे में भी है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1857 विद्रोह का सामाजिक कारण। और वैसे भी कारण कोई भी हो, 1857 विद्रोह के बारे में आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 9 मई को स्टार्ट हुई थी, उसका राजनीतिक कारण भी है इसमें लिखा हुआ आंसर उसका, वो भी आप लोग देख लेना। तो पहला था 1857 का सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, और इसी का थर्ड में आ जाता है आपको सैनिक कारण। तो ये सब, ये तीन क्वेश्चन है। अगर आपको नॉर्मली सिर्फ 1857 के बारे में पूछेगा तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या फिर छोटा छोटा काट के भी लिख सकते हो तीनों के बारे में कुछ कुछ, या तो फिर आप थोड़ा सा मतलब एक टॉपिक लिख के, जैसे कि आप टॉपिक लिख देना सैनिक कारण, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना, फिर राजनीतिक कारण उसके बारे में थोड़ा सा बता देना, फिर सामाजिक कारण उसके बारे में थोड़ा सा बता देना, उस टाइप से भी आप लिख सकते हो आंसर। वो सब ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है, मतलब मार्क्स अच्छा देने में, मतलब टीचर को अच्छा लगेगा तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। तो ये कुछ आंसर है क्वेश्चन के साथ आंसर है, जो कि मेरा खुद का लैंग्वेज है, मतलब याद किया हुआ बुक ही से था, बट वो अपने शब्द को, अपने शब्द से जो लिखते हैं उस टाइप का लिखा हुआ है। तो आप लोग एक बार देख लेना तो आपको ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल बादशाह बहादुर का 1857 विद्रोह में क्या योगदान था। हम और भी आपको वीडियो ये सब डाल देंगे हिस्ट्री का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तब तक आप लोग इसको देख लो। 1947 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मेरे साथ पास है, तो हम वो भी डाल देंगे। तो एक बार पहले आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे यूट्यूब को सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।